प्यारे बच्चों, अभी तक आप ऑनलाइन गुजराती, गणित, अंग्रेजी विषय सीख रहे थे। आज से हम अरबी विषय सीखने जा रहे हैं। अरबी भाषा हमारी कुरान शरीफ की भाषा है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे। कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके मूलाक्षर सीखना जरूरी होता है, क्योंकि अरबी भाषा हमारी कुरान शरीफ की भाषा है। इसीलिए हम अरबी सीखेंगे तो हमारा कुरान शरीफ पढ़ने का सही होगा। इसीलिए मूल भाषा किसी भी भाषा की ईंटें होती हैं और ईंटें से ही इमारत बनती है, ईंटों से ही इमारत बनती है। इसीलिए हमें किसी भी भाषा के मूल अक्षर सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और अरबी के अंदर 29 मूल अक्षर है, अरबी के अंदर 29 मूल अक्षर है, और वो इस तरह है। अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, बे सीधे हाथ की तरफ से ऊपर से नीचे, और फिर उल्टे हाथ की तरफ जाना है, और फिर ऊपर, और फिर इसके नीचे एक नुक्ता, और इसी तरह से बे ऊपर से नीचे, और फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, और फिर इसके ऊपर दो नुक्ते, तो ते, फिर से तो ऊपर से नीचे, और फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, और फिर ऊपर जाने के बाद ऊपर तीन नुक्ते लगाएंगे, तो से। और जीम बनाने के लिए पहले उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, और फिर एक आधा चांद बना देंगे और इसके अंदर एक नुक्ता लगाएंगे, तो जीम। और फिर इसके बाद हे बनाने के लिए पहले उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, और फिर आधा चांद, और इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं लगाना, इसलिए हे। नीचे सीधे हाथ की तरफ जाना है, और फिर आधा चांद, और उसके ऊपर एक नुक्ता, तो खे। दाल, और फिर जार। रे बनाने के लिए पहले थोड़ा सा ऊपर से नीचे, और फिर थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ रे। फिर जे भी इसी तरह से, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है, जे। सीन बनाने के लिए दो छोटे चांद, और फिर एक बड़ा चांद। सीन के ऊपर, छोटी सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, और फिर बड़ी सीन के ऊपर जैसे छोटे सीन बनाया, पहले एक छोटा चांद, और फिर दूसरा छोटा चांद, और फिर एक बड़ा चांद, और इसके ऊपर अपने तीन नुक्ते लगाएंगे, तो बड़ी सीन। स्वाद, द्वार, तोय, तोय के लिए पहले सीधी लिटी, और फिर इसके बाद आधा चांद, और इसके ऊपर नुक्ता नहीं, तो तोय। इस तरह से जोय। एन बनाने के लिए पहले आधा चांद, और फिर उसके बाद एक पूरा चांद बनाएंगे, तो एन। इसी तरह से दूसरा रैन, रैन के ऊपर नुक्ता आएगा, एन के ऊपर नुक्ता नहीं होता, रैन के ऊपर नुक्ता। फे बनाने के लिए भी ऊपर एक नुक्ता, पहले एक गोल, और फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। फिर काफ, फिर छोटा काफ, छोटे काफ के ऊपर एक छोटा सा हमजा। लाम, नीम, नून, वाव, हे, हमजा, और ये देखो, अलिफ, ब, ता, सा, जीम, था, खा, दाल, जाल, रे, जे, शीन, शीन, स्वाद, द्वार, कौन, जोय, एन, गैन, फे, काफ, काफ, ला, नीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरबी के अंदर 29 मूल अक्षर है, इसके अंदर अलिफ,
और हमजा और या, जिस तरह से दूसरे भाषा के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं, इसी तरह से अरबी के अंदर ये तीन स्वर है, अलिफ, हमजा और या। स्वर है अलिफ, हमजा और या, ये तीन स्वर और बाकी के 26 व्यंजन, तीन स्वर और 26 व्यंजन। अलिफ, ब, त, स, जी, ह, ख, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शी, स्वार, वार, ओर, जोल, एन, गैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, या। ये सभी सब अक्सर आपने नीचे की क्लास में सीखे थे, ये सभी अक्सर आपने नीचे की क्लास में सीख लिए थे। ये अपने इयादा करने के लिए, पुनरावर्तन करने के लिए एक बार फिर से हैं, अपने नई क्लास के अंदर सीख रहे हैं। इसलिए ये सारे अक्षर, जितने भी ये जो 29 अक्षर है, ये 29 के 29 अक्षरों को अपने 200 पाने की नोट के अंदर एक बार आपको बाजार से नोट मिल जाएगी, जमनी बाजू हंसी वाली, जमनी बाजू हंसी वाली नोट बाजार में मिल रही है। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आपको जो नोट बाजार में अपनी जो सिंगल लिटी वाली नोट आती है, वही नोट के अंदर ये सब शब्दों को एक बार इसी तरह से, जैसे मैंने आपको अभी लिख के बताया, इसी तरह से लिखना है। पहले अलिफ और उसके बाद उसके बराबर में दे, फिर ते, फिर से, फिर जी, फिर हे, खे, खे के ऊपर नुक्ता, दाल, जाल, रे, जे, छोटा सी और ये बड़ा सी, स्वाद, द्वाद, द्वाद के ऊपर नुक्ता आएगा तो वे पे नहीं, जोए पे नुक्ता, एन, गैन, फे, काफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते और छोटे काफ के ऊपर छोटी सी हमजा, लाम, मीम, नून, नून के पेट में नुक्ता आएगा, ये इसका पेट, नून के अंदर नुक्ता, वाव, हे, हमजा, ये। इसी तरह से ये 29 अक्षरों को आपको अपनी सिंगल लिटी की नोट के अंदर जमनी तरफ से, यानी सीधे हाथ से पहला पाना, अपनी नोट का जो पाना है, ये नोट आपके पास जो नोट आएगी इस तरह से, ये जो ये सीधा हाथ की तरफ से पहले पाने का पहला पाना खोलना है, ये पहला पाना छोड़ देंगे, दूसरा पाना भी छोड़ देंगे और फिर अपना जो नोट का जो पाना है उसके ऊपर सीधे हाथ की तरफ से ये सीधी लिटी जमनी तरफ हाँसियाँ दौड़ लेंगे। और अगर आपको हाँसी वाली नोट मिलती है तो फिर हाँसियाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको सादी नोट मिलती है तो इस तरह से सीधे हाथ की तरफ हाँसियाँ दौड़ना है। और ऊपर अलिफ, यहाँ पर अलिफ से लिखना शुरू करना है अपनों को, यहाँ पे पहली लाइन के अंदर अलिफ से लेके खे तक, और फिर दूसरी लाइन में, पहली लाइन में यहाँ से अलिफ, बे, ते, से, जी, हे और खे, दूसरी लाइन में दो लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, दाल, जाल, रे, जे, सीन, बड़ी सीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, एन, रैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये। हमजा हे के बाद इसलिए लिया क्योंकि ये व्यंजन और स्वर के अंदर आता है, इसलिए व्यंजन और
ये इसको नहीं भी लिखेंगे हमजा को तो भी चलेगा, क्योंकि 29 शब्द होते हैं, अगर हमजा नहीं लिखेंगे तो 28 हो जाएंगे। तो ये तक अपनों को एक बार लिखना है अच्छे अक्षरों के अंदर अलिफ से लेके ये तक, और फिर इसके बाद ज़बर जो है वो ऊपर आता है, ज़बर ऊपर आता है इसलिए दूसरे पाने पे अलिफ के ऊपर ज़बर लगा के इसी तरह से अलिफ ज़बर बे ज़बर ते ज़बर से ज़बर जी ज़बर हे ज़बर खे ज़बर फिर दाल ज़बर, इस तरह सब के ऊपर ज़बर लगा के ये तक लिखना है। इसी तरह से लिखना है पहले एक पाने पे सादे अक्षर अलिफ से लेके ये तक, और फिर दूसरे पाने पे अलिफ से लेके ये तक ज़बर वाले। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको घर पर 200 पाने की नोट लेकर ये पूरा लेसन आपको घर से करना है, और बाद में जब हम आपको बुलाएंगे तब आकर स्कूल में अपनी नोट घर काम चेक कराना है। बस यही दुआ करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बस अस्सलाम वालेकुम।